मेरे सामने आओ, शेषनागिन आपको बुला रही है। आइए शेषनागरानी, शेषनागरानी आइए, शेषनागरानी आपको आना होगा। अगर आप नहीं आएंगी तो नागवंश के नीति नियम की शक्तियां आपको मेरे पास खींच ले आएंगी। तो कुदरत आखिर तुम्हें मेरे सामने ले ही आई। तुमने मुझे बुला तो लिया प्रथा, पर मैं शेषनाग रानी हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसके बच्चे को, उसी को तो मैंने दिया था वो जहर जो उस जेलर ने प्रथा को जाके पिलाया उस जेल में। मैंने कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं, सब सवारने के लिए बुलाया है। महक याद करो, जब तुम मेरी बहन हुआ करती थी, मेरी महक दीदी, जिसके साथ मेरा बचपन बीता। मैं छोटी से बड़ी हुई, हमारे बचपन के दिन जब हमारे माँ बाबा हमसे छीन लिए गए, तब बस हम एक दूसरे ही थे, एक दूसरे के लिए। और फिर उसके बाद सब कुछ बदल गया, तुम बदल गई, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा पति, मेरा बच्चा। आपको हमारे खून के रिश्ते का वास्ता है दीदी। आपने तो सुना होगा ना कि खून के रिश्ते कभी टूटते नहीं। दीदी मैं जानती हूँ कि आपके और मेरे रिश्ते में बहुत दूरियां आ गई है। ये दूरियां आज भी कम हो सकती है। आपने जो भी किया, जो भी, सब कुछ मैं भूलने के लिए तैयार हूँ। बस बस दीदी मुझे बता दीजिए कि मेरी बेटी कहाँ है। बस तुझे क्या लगा कि मैं ये सब बोलूंगी? वो दिन, वो प्यार, वो रिश्ते, वो तुम्हारी पुरानी महक दीदी, सब कुछ खत्म हो गया है। तू तो आज भी बेवकूफ है और आज भी इमोशनल है, लेकिन मेरे अंदर वो सारे इमोशंस, वो सारे खत्म हो गए, और ये सब, ये सिर्फ तुम्हारे वजह से। क्योंकि मेरे सपने, मेरे अरमान और मेरे अंदर शेष नागिन बनने का रुतबा, मेरा भविष्य, सब कुछ खत्म हो गया। माँ और नानी सबकी लाडली तो तू थी, इसलिए जब वक्त आया शेष नागिन बनने के लिए, तो उन्होंने तुम्हें आगे कर दिया। हर मोड़ और हर कदम पे सिर्फ तुम ही तुम थी, और मैं जिंदगी भर तुम्हारे पीछे पीछे पीछे। मैंने अपने सारे हिस्सों की खुशियां तुम्हें दे दी, सहते सहते मैं तो पत्थर की बन गई। अब मेरा दिल नहीं धड़कता है, अब कोई रिश्ते, कोई नाते, कुछ नहीं रहा। मैं तुम्हें खुश रहने का एक भी मौका नहीं दूंगी। बस मैंने सोचा मेरी बहन है, जिसने मुझे धोखा दिया तो क्या हुआ, शायद एक मौका दूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर नहीं, आज तुमने अपने हाथों से ही मेरी उस बहन का खून कर दिया। अब जो मेरे सामने खड़ी है वो मेरी बहन नहीं, बस एक शातिर नागिन है। ये इमोशनल हत्याचार मत कर, मेरा दिल नहीं पिघलेगा। ठीक है,
पर तुम नागवंश के नियमों को तो नहीं बदल सकती ना? नागवंश के नियमों के अनुसार जब एक नागिन अपने शेष नागरानी से इंसाफ की पुकार लगाती है तो एक शेष नागरानी को उसे इंसाफ देना पड़ता है ही। तो आज मैं शेष नागरानी से इंसाफ की पुकार लगा रही हूँ। तो हे शेष नागरानी, मैं तुमसे इंसाफ मांगती हूँ। शेष नागरानी, मुझे इंसाफ दीजिए, मेरे गुनाहगारों को सजा दीजिए। ये आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक मेरे दुश्मनों को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती। ये शक्ति उसे बनी शक्तिशाली पवित्र अग्नि है। इसे जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, कोई पार नहीं कर सकता। प्रथा की गुनहगार तो मैं हूँ और मैं इसे इंसाफ देने से इनकार नहीं कर सकती। नागवंश की नीति नियम का फायदा उठा लिया, मुझे इस आग में फंसा दिया। ठीक है, मैं इस आग को पार नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुझे भी पार नहीं करने दूंगी। और अगर मैं इस आग में चलूंगी तो मैं तुझे साथ में लेकर चलूंगी। शक्ति औदे में नहीं, शक्ति माँ के सजदे में होती है, शक्ति माँ के ताकत में होती है। आज भले ही मैं सिर्फ शेष नागिन और तुम शेष नागरानी हो, फिर भी अगर एक माँ के इरादों को बुलंद कर दिया तो एक माँ की ताकत तुम्हें अर्श से फर्श पे ला सकती है। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? नहीं, कभी नहीं बताऊंगी। तुम्हें बताना होगा। नहीं बताऊंगी। आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दो मेरी बच्ची कहाँ है? नहीं, कभी नहीं बताऊंगी। बताओ मेरी बच्ची कहाँ है? आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दो मेरी बच्ची कहाँ है, वरना ये रिश्ते के बीच जो तुमने आग लगाई है ना, उस आग के खेल को मैं खत्म करूंगी। आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दो। मैं जिंदगी भर तुझे कभी नहीं बताऊंगी कि तेरी बेटी कहाँ है। और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तू जिंदगी भर अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएगी। इस शेष नागरानी से इंसाफ मांगने आई थी। मैंने तो शेष नागरानी होने के नियम का पालन भी नहीं किया है कि मेरी शक्तियां भी कम हो रही हैं। लो, ऋषभ, वो मेरी बहन, वो मेरी बहन, महक यहाँ से गिर गई। ऋषभ, वो मर गई। ऋषभ, बस वही थी जो जानती थी कि हमारी बच्ची कहाँ है। ऋषभ, अब हमें हमारी बच्ची के बारे में कैसे पता चलेगा हमारी बच्ची, हम कैसे ढूंढेंगे उसे? ये दुनिया इतनी बड़ी है ऋषभ, इतनी बड़ी दुनिया में हम अपनी बच्ची को कैसे ढूंढेंगे? प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। प्लीज प्रथा, हमारा साथ ही हमारी ताकत है और हमारी ताकत ही अब हमारी हिम्मत ढूंढेगी। हम हमारी बच्ची को ढूंढेंगे। आज जिस तरीके से साथ लड़कर हमने इस देश को बचाया है, वैसे ही हम अपनी बच्ची को भी बचा लेंगे दुश्मनों से। तुम देखना, हमारी बेटी हमारे साथ बहुत जल्द होगी।
शिव जी, आपने इस घर का धन लौटा दिया, मेरी बहू और बेटे को घर लिया, आपको शत शत नमन। बेटा जा मंदिर से पूजा की थाली ले ले। जा। तुम्हारे साथ हेना और बाकी लोग थे, वो नहीं आए? वो आएंगे भी नहीं, उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल गई है। तुम दोनों जाके आराम कर लो। आज हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत। नहीं ऋषभ, हम अब भी अधूरे हैं हमारी बच्ची के बिना। जब हमारी बच्ची मिल जाएगी तब हम पूरे होंगे। प्रथा, तुम्हें तो शिवजी पे बहुत विश्वास है ना? जब भी हम गिरे उन्होंने हमेशा हमें उठाया है ना? तुम देखना, हमारी बच्ची को भी वो बचा लेंगे और बहुत जल्दी इस घर में वापस ले आएंगे। Trust me. Pratha, अब हम दोनों एक साथ हैं ना? अब तुम देखना, बहुत जल्दी हम दोनों मिलकर अपनी बच्ची को भी ढूंढ लेंगे। रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ। तुम आराम करो, पानी मैं भर के ले आता। जल्दी आना और तुम मेरा इंतजार करना। ये आवाज कैसी? ऋषभ तक आए नहीं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो यहाँ से कोई आवाज आ रही थी, तुम्हें नहीं है? नहीं तो, वो मौसम का रुख बदल गया है ना, तो कई बार हवाएं भी शोर करने लग जाती है, उसी की आवाज होगी। शायद कोई तूफान आके चला गया हो या कोई तूफान आने वाला हो। आप चलिए, सो जाइए। चलिए, I
देखो मुझे मार के तुम्हारे मम्मी डैडी कितने सुकून की नींद सो रहे हैं। क्या हुआ? मुझे जिंदा देख के शॉक हो गए? मैं भी इतनी शॉक हुई तुम्हें इस बिस्तर पे देख के मेरे हस्बैंड के साथ। बहन बनी सौतन। इस बच्चे के बारे में तो मैंने बताया नहीं, तुम तो सोच रही होगी कि ये बच्चा कौन है। ये तुम्हारी बेटी है प्रथा। मेरी बच्ची, लाओ मुझे। रोको तो। ना हमारी। रोको रोको। एक जख्मी शेरनी वार करती है, जख्मी नागिन मार देती है। मेरा जहर इतना जहरीला है कि एक डंक मार के तेरा अंचन सब खत्म। क्या प्रथा, मुझे आपको कुछ बताना है। एक बात है जो आज तक मैंने आपसे छुपा के रखी है और आज मैं वो बात आपको बताना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज। क्या बताना चाहती हो बताओ मुझे, क्या हो गया, कौन सा राज? ऋषभ, मैं नागिन हूँ। नाकिनों की नाकिन, शेष नाकिन, ऋषभ, मुझ में इतनी शक्तियां हैं कि मैं अपनी शक्तियों से हवा, पानी, तूफान सबका रुख बदल सकती हूँ, किसी का भी रूप ले सकती हूँ, कोई भी चेहरा अपना सकती हूँ। पर अब मेरी जिंदगी में बस एक ही चेहरा है, प्रथा का चेहरा, आपकी पत्नी का चेहरा। मुझे अब जिंदगी में और कुछ चाहिए नहीं। ऋषभ, जब मैं इस घर में आई थी तब एक मकसद के साथ आई थी। जो इस देश से द्रोह करेगा उसका विद्रोह होगा। जो हासिल है तुम्हें पसंद नहीं, जो पसंद है उसी को हासिल कर लो। ये मैंने फैसला किया है कि मैं ये शेष नागिन की जिंदगी और नहीं जीना चाहती। मैं शिव जी के इस वरदान को त्यागना चाहती। मैंने आपको मेरी जिंदगी में वापस पाने के लिए हर एक तरीका अपनाया पर कुछ भी नहीं हो पाया। पर आज आज आप मेरे सामने हैं, मेरे साथ है, तो मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहती। आज मैंने आपको मेरी जिंदगी का हर एक पन्ना बता दिया है, मेरी जिंदगी का हर एक सच बता दिया है। और अब मेरी जिंदगी में बस एक ही सच है और वो है आप, मैं और हमारी बेटी। अब मेरी जिंदगी में और कोई चाहत नहीं है, बस यही चाहत है, हमारा परिवार। तो फैसला आपका है। मेरा सच जानने के बाद भी क्या आप मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं?
बिल्कुल रहना है प्रथा, बिल्कुल रहना है। You know why? Because I love you. ऋषभ हमारी बेटी, हमारी बेटी पता नहीं कहाँ है, पता नहीं, मेरा मन ही नहीं लगता। अब मैं कैसे जीऊंगी उसके बिना? प्रसा तुम फिक्र क्यों करती हो? हम मिलकर ढूंढेंगे ना हमारी बेटी को, आई प्रॉमिस यू। हम तीनों साथ मिलकर रहेंगे, जो सपने देखे थे सब पूरे करेंगे हम, भले ही जमीन और आसमान क्यों ना एक करना पड़े। पर अगर वो नहीं मिली तो? उसे कुछ हो गया तो? नहीं प्रथा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने तो मुझे अपना राज बता दिया कि तुम एक नागिन हो, पर मेरा भी एक राज है जो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि मैं ऋषभ नहीं शक्ति हूं। Treating you. बहुत अच्छा, क्योंकि मैं तो इस नर्क में बहुत वक्त तक रहा था। तुझे तो मजा आ रहा है ना? क्योंकि तुझे देखकर तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। शक्ति, तू जिंदा है? क्या हुआ? खुश तो बहुत हुआ तू मुझे देखकर। Oops. One sec. शक्ति, ये तो क्या कर रहा है? हाँ, अब ठीक है। अब तक इस नर्क में मैं था, पर अब मैं तू बन गया है और तू मैं बन गया है। अब इस नर्क में तू ही रहे जिंदगी भर तक। मैंने जो जानवरों वाली जिंदगी जी है ना, वो सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि मुझे तेरी एक चीज जो पसंद आ गई थी, जो मुझे मिली नहीं। पर जानता है, मुझे तेरी फिर एक चीज पसंद आ गई है, और इस बार वो मुझे मिलकर ही रहेगी, समझा? प्रथा, ए! मेरी प्रथा को हाथ भी मत लगाइयो, समझा? तू पत्नी है वो मेरी, शक्ति। आराम से मिस्टर पति, जिसे तू अपनी पत्नी बोल रहा है ना, वो मेरी रग रग में समा गई है। कब से मेरी नजर है उस पर, एक ही बेड पर हम दोनों का, वो रात का नजारा तो तू समझता है ना, और तू तो यहीं पड़ा रहे। हाँ, नहीं छोड़ूंगा तुझे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा शक्ति। अरे छोड़ेगी तो प्रथा नहीं मुझे, मेरी महबूबा, उसको बच्चा चाहिए ना,
मैं हूं ना, मैं दूंगा उसे बच्चा। सबको यहाँ है, ऋषभ कहाँ है? और ये वहां से आवाज कैसी आ रही है? उर्वशी ने मेरे भाई शक्ति को यहीं पे कैद करके रखा है। प्रथा ये झूठ बोल रहा है। मैं ऋषभ हूं, तुम्हारा ऋषभ, और ये शक्ति है। अब ये झूठ बोल रहा है प्रथा। मैं ऋषभ हूं, तुम्हारा ऋषभ, तुम्हारा ऋषभ, ये तो शक्ति है। प्रथा, मैं ही तुम्हारा ऋषभ हूं, पहचानो मुझे। ऋषभ, ऋषभ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे प्रथा, तुम यहाँ? वो यहाँ बहुत कचरा था, बहुत गंदगी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सफाई कर दूं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे यहाँ से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी तो। अरे वो मैं सफाई कर रहा था ना, उसी की आवाज आ रही होगी तुम्हें। वो क्या है ना प्रथा, के तुम इतनी उदास थी, इतनी परेशान थी कि मैं तुम ऐसे देख ही नहीं पाया, इसलिए यहाँ आ गया। प्रथा, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, पर मैं चाहता हूँ कि आज से, अभी से और इसी वक्त से हम अपने प्यार की एक नई शुरुआत करें। तो आज रात हमारी सुहाग रात।
प्रथा, ये जूस पी लो। मेरा मन नहीं है। आप, प्रथा, प्लीज पी लो ना। तुम ठीक तो हो ना? आप कहाँ जा रहे हैं? तुमसे दूर, क्योंकि तुम्हारे पास रहा तो शायद खुद को कंट्रोल ना कर पाऊं। इसलिए क्या तुम वैसे ही बहुत परेशान हो, तो मैंने सोचा जरा तहखाने की सफाई कर लेता हूँ। अब ऋषभ, देखिए मैं आपसे परेशान नहीं हूँ। मुझे बस अपने बच्चे की याद आ रही है, पता नहीं कहाँ होगी। प्यार तो आपसे मैं बहुत करती हूँ ऋषभ। तुम क्यों फिक्र करती हो प्रथा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ऋषभ, प्रीम की बच्ची रो रही है ऋषभ। अरे तो क्या हो गया, रोने दो ना उसे, बच्चों का तो काम ही होता है रोना। ऋषभ, एक बच्ची को माँ की जरूरत होती है। मुझसे मेरी बच्ची छीन ली गई है और उससे उसकी माँ, उसे मेरी जरूरत है। अरे प्रथा, मुझे जाना होगा। शिव जी, ये आपका कैसा खेल है बेटा? आज से तू मेरी बेटी और मैं तेरी माँ। ये बच्ची अपनी माँ के लिए कितना तड़प रही थी, मेरी बच्ची भी मेरे लिए ऐसे ही तड़प रही होगी। नहीं, मैं अपनी बच्ची को ऐसे तड़पने नहीं दूंगी। वो दुनिया के जिस भी कोने में होगी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। हे शिव जी, कोई तो राह दिखाइए, कोई तो संकेत दीजिए, कहाँ होगी मेरी बच्ची? महक के साथ लड़ते वक्त मुझे उसका फोन मिला था, शायद उसके फोन में मुझे कोई सुराग मिल जाए। इस नंबर पे तो महक ने सैकड़ों बार कॉल किया है, किसका नंबर हो सकता है? पता लगाते हैं। हेलो। अरे मैडम, कितनी बार बोला आपको, ये नंबर जिसका भी था अब वो बदल गया है। 28949 अब ये मेरा नंबर है, पहले किसी और का था। आप बार बार फोन करती हैं, और दूसरा वो अनाथ आश्रम वाले। कौन सा अनाथ आश्रम? इनोसेंट हार्ट, एक हाथ एक साथ और पनीर।
आजा बेटा, नाश्ता लग गया। प्रथा नहीं आई नीचे? प्रथा? अरे प्रथा तो यही थी ना, नीचे ही तो आई थी, वो कहाँ गई? नहीं तो बेटा, मैंने काफी देर से उसे देखा नहीं, मुझे लगा ऊपर आराम कर रही होगी। भाई, भाभी तो ऊपर भी नहीं है, वो शायद आरपी से मिलने गई होंगी। बैठो, आ जाएगी वो, बैठो। ये राजेश प्रताप सिंह, मेरे प्यार पर इसकी बुरी नजर, ऐसे तो मैं मार ही डालूंगा। कहिए, आपको यहाँ कुछ काम था? ये मैम, ये नंबर, आप इस नंबर पे अक्सर कॉल करती थी, देखिए। हाँ हाँ, इस नंबर पर कई बार फोन किया है। हाँ तो ये नंबर किसका है? ये नंबर यहाँ पर काम करने वाली किसी वर्कर का था। किसका? देखिए, अब एनजीओ में तो बहुत लोग काम करते हैं, ऐसे ही किसी वर्कर का नंबर था। अब आप नाम पूछेंगी तो वो मुझे नहीं पता, और वैसे भी लोग यहाँ पर काम करने आते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात ये है, इस नंबर पे हमने कई बार फोन किया लेकिन ये फोन हमेशा ही बंद आता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये ऑन हुआ तो पता चला कि ये नंबर किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो गया है। देखिए, मुझे लगता है मेरी बच्ची को किसी ने चुरा के शायद यहाँ छोड़ दिया होगा। मैं अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, आप प्लीज मेरी मदद करेंगी? देखिए, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दे सकती हूँ, यहाँ पे तो रोज ही कोई ना कोई अपना बच्चा छोड़ जाता है, और कुछ अच्छे लोग भी हैं जो बच्चा लेने आ जाते हैं, मेरा मतलब है एडॉप्ट करने। अब मैं ये नहीं बता सकती कि आपकी बच्ची अभी यहीं है या उसे कोई ले जा चुका है। ये सारे बच्चे मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, पर मैं कैसे बताऊं कि इनमें से मेरी बच्ची कौन सी है, यहाँ मेरी बच्ची है भी या नहीं? सिंह का बच्चा, उसके बीच में जो भी आएगा रॉक रॉक बन जाएगा। शेषनाग, आपको पता था कि मेरी बच्ची जिंदा थी? आप जानते थे मेरे पति जिंदा है, फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं बताया?
अगर आप मुझे बता देते तो शायद मैं अपनी बच्ची को ढूंढ तो पाती। अब इतने सालों बाद मैं उसे कहाँ ढूंढूं? अपने सब जानते हुए भी मुझे नहीं बताया शेषना। मुझे भी नागराज तक्षक ने बताया था। तुम घबराओ मत, तुम्हारी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं है, उसे कोई नहीं मार सकता। वो इस दुनिया में है कहीं। कहाँ है वो? वो जहाँ है सही सलामत है, और वो वक्त आएगा जब उसे शेष नागिन के लिए चुना जाएगा और उसे वो सारी विशेष शक्तियां मिल जाएगी। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ ऐसा ही होगा, क्योंकि कुदरत ने उसकी किस्मत उसके पैदा होने से पहले ही लिख दी थी। साहब, हाँ साहब, अभी घर पे ही आ रहे हैं, रास्ते में हैं। अगर मेरी बच्ची सच्ची अनाथाश्रम है और अगर उसे किसी ने गोद ले लिया है तो मैं तो उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाऊंगी। अनाथाश्रम वाले तो मुझे कभी बताएंगे नहीं कि उसे किसने गोद लिया है, तो इसका मतलब मैंने अपनी बच्ची को पाने से पहले ही खो दिया। मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है, कैसी है। किस्मत, किस्मत ही उसको संभालेगी और किस्मत ही उसको पालेगी। अपनी गाड़ी को क्या हुआ? चलो देखते हैं बाहर। गाड़ी तो खराब हो गई, अब क्या करेंगे? मैडम मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। एक काम करते हैं, गाड़ी बनाओ, मैं बच्चों को वहाँ शेड में ले जाती हूँ। ये ठीक रहेगा। ठीक है, ये छाता पकड़ना। मैडम टायर बदलने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। ठीक है, चलो जल्दी चलो। हे भगवान, मैं इस तेज बारिश से बच्चों को कैसे बचाऊं? कितना टाइम लगेगा और? जल्दी करो। कुदरत ही उसकी रक्षा करेगा, स्वयं शिव उसके रक्षक बनेंगे, क्योंकि वो शिव का वरदान है, और उस शिव वरदानी को तुम्हारी नानी जैसी शिव वरदानी संभाली। पर मेरी नानी की तो मौत हो चुकी है, सीमा की मां ने उन्हें मार दिया था। वो सच भी तुम्हारे सामने बहुत जल्द आ जाएगा। सीमी तो नहीं छीना, प्रथा सिर्फ मेरी है, सिर्फ शक्ति की। तुम यहां? तुम अरे ऋषभ,
ऋषभ नहीं हो? अरे नहीं नहीं, मैं ऋषभ ही हूँ। ध्यान से देखो। तुमने हमें बोला कि तुम ऋषभ नहीं हो, तुम शक। अरे तुम इतना शॉक्ड क्यों हो रही हो? देखो मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा। शक्ति, उसके भाई। दिव्या का मिस कॉल? भाई। हेलो दिव्या। प्रथम, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। दिव्या, मैं अपनी हवेली पे हूँ यार। दिव्या, यहाँ पे रे रे। Missed calls? Divya! दिव्या, आंखें खोलो, आंखें खोलो दिव्या। ये तुमने क्या किया? दिव्या का खून कर दिया तुमने? मुझे पता है, मुझे सब पता है। तुमने अपनी पत्नी का भी खून किया और आज अपनी बहन को भी मार दिया। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहती थी ताकि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मुझे पता था तुमने अपनी पत्नी को भी मार डाला। नहीं नहीं नहीं, नहीं आंटी, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने अपनी पत्नी का खून नहीं किया और दिव्या को मेरे पास मत। क्या मुझे गलत समझ रहे हो? मुझे मारना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको क्यों आंटी, प्रथा तुम एक नागिन हो। मैंने सब कुछ सुन लिया है। प्रथा ये क्या कर रही है तुम? प्रथा,
मुझे नहीं पता आंटी ने ऐसा क्यों कहा, पर मैंने मैंने अपनी पति को नहीं मारा। पता है क्या कर, मैंने अपने पति को नहीं मारा बेटा। मारा है तुमने, अपनी पत्नी को मारा है, और कातिलों का कत्ल किया जाता है। ये कंकाल किसका है? देखा, कायनात भी चीख चीख के कह रही है कि तुम ही ने अपनी पत्नी को मारा है। ये नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। झूठ, इंस्पेक्टर ले जाइए इसे। कई साल पहले इसने अपनी पत्नी का खून किया और आज इसने अपनी बहन को भी मारने की कोशिश की। उठा के ले चलो इसे, जल्दी चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने किसी का खून नहीं किया। अरे मैं बेकसूर हूँ। ये कंकाल तो आरपीएस की पत्नी का है, क्योंकि इसमें मंगलसूत्र पहना है और वही मंगलसूत्र सेम टू सेम आरपीएस की पत्नी ने इस तस्वीर में भी पहना। ये देखिए, यही तस्वीर आरपीएस की पत्नी की सोशल मीडिया पर भी है। दिव्या कहाँ है? मेरी बेटी ऊपर है। चलिए तो क्या देखते हैं। अभी भी होश है वार्ड बॉय, इसे एम्बुलेंस में ले चलो जल्दी। बेटा मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। था कहाँ गई थी तू? वो दिव्या पे हमला हुआ था। क्या, कैसी है वो? जिंदा है पर बेहोश है। पर उस पे अटैक किसने किया था? राजेश प्रताप सिंह। और राजेश प्रताप सिंह ने तो अपनी बीवी का भी खून किया है। गया वो सिंह प्रथौर मेरे बीच से गया। उसने वैसे अपनी बीवी का खून किया था, इसलिए आसानी से दिव्या के खून का इल्जाम भी उसी पर लग गया। वेरी नाइस। शुक्रिया भगवान का बेटा कि वो जिंदा है। वो ठीक हो जाएगी, तू टेंशन मत ले। चलो हम सब खाना खाते हैं। आ जा ऋषभ। चलो माँ। प्रथा, प्रथा बेटा, मैं तो होश खो बैठी थी, नहीं जानती कैसे बची। मेरा दिल जानता है कि तुम ही ने राजेश को रोका होगा। अगर तुम नहीं आती तो आज वो दिव्या और मुझे मार देता और हमारी भी लाशें दीवार में चुनवा देता अपनी बीवी की तरह। अब दिव्या कैसी है? दिव्या कोमा में चली गई। मुझे शुरू से शक था मुझे राजेश में कि उसी ने अपनी पत्नी को मारा होगा। अब मैं एक पल भी उस हवेली में नहीं रह सकती। मैं आज रात किसी होटल में रुक जाऊंगी। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यही रहेंगी। देखिए
आपके लिए मैंने राजेश प्रताप सिंह से नकली शादी की थी। आप सच में मेरी आंटी नहीं हो तो क्या हुआ? मेरी तो माँ भी नहीं है, पर आप मेरी माँ जैसी है। तो अपनी बेटी के घर रहना पसंद नहीं करेंगी? प्लीज कम से कम आज रात के लिए तो यहाँ रुक जाइए। ठीक है प्रताप बेटा, तुमने मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया। कभी भी किसी भी मुसीबत में अगर इस माँ की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। चलो अब सब आराम करते हैं। आन्या, सुहासिनी जी को गेस्ट रूम दिखाओ। राजेश प्रताप सिंह भी खराब निकला। ये सब क्या हो रहा है? और मेरी बच्ची कहाँ है? क्या हो गया प्रथा? बहुत परेशान लग रही हो। एक काम करो, ये दूध पियो। बैठो बैठो, दूध पी लो। बहुत अच्छी नींद आएगी तुम्हें। ऋषभ, हमारी बच्ची कहाँ है? कैसी होगी? इस दुनिया में सिर्फ छल ही छल है, नकली रिश्ते, नकली चेहरे। हमारी बच्ची हमारे बिना कैसे जिएगी? आज की दुनिया में भी चमत्कार होते हैं। देखो उस सांप ने दोनों बच्चों को कैसे भीगने से बचाया। सच में चमत्कार ही है। छज्जा उड़ गया लेकिन दोनों बच्चे बारिश में भीग रहे थे। इनको निमोनिया हो सकता था मगर सांप ने छज्जा बनकर इन दोनों की रक्षा की। हाँ। पता नहीं दोनों में से कौन भाग्यशाली है, पर इनकी किस्मत है कि दोनों में से कोई भी बीमार नहीं पड़ा। और जो सांप काटते हैं उसी सांप ने इन्हें बचा लिया। जो भी है कुदरती है। इन दोनों में से किसकी किस्मत अच्छी है ये तो पता नहीं, लेकिन जिसकी भी है ये इन्हें आगे तक लेकर जाएगी। मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें, हम दोनों मिलकर अपनी बच्ची को ढूंढ ही लेंगे। और एक काम करो तुम, ये दूध पियो। पर कहाँ ढूंढेंगे ऋषभ, कैसे ढूंढेंगे? पता नहीं कहाँ होगी, ये दुनिया इतनी बड़ी है, कहाँ से शुरू करेंगे? प्रथा देखो, वो मेरी भी तो बेटी है ना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ मैं। और कितने वक्त बाद हम दोनों एक साथ हुए ना, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता लूँ। देखो प्रथम, मैं अपना परिवार वैसे ही खो चुका हूँ, अब तुम ही मेरा परिवार हो, तुम्हें नहीं खो सकता मैं। और तुम हो के तुम भी मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती हो प्रथा। कल रात को क्या क्या सपने देखे थे हमने कि हम दोनों एक साथ, सब सपने टूट गए। मेरी भी तो बच्ची है ना, मैं भी तो उससे प्यार करता हूँ, नहीं करता क्या? तुम बहुत परेशान हो ना। देखो मैं हमारे बच्चे के लिए रोज रोज तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं। सब ठीक हो गया था, उसके बाद सब अचानक इतना खराब हो गया कि अब तुम भी मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती हो। देखो प्रथा, तुम जो भी करना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें मुझे साथ रखना है नहीं रखना है? ये मेरा फोन तो नहीं है, ये आंटी का फोन है, वो शायद गलती से भूल गई, मैं उन्हें दे आती हूँ। अरे छोड़ो ना, कल सुबह दे देना। नहीं, उनका कुछ इम्पोर्टेंट कॉल आया होगा, तो वैसे भी मैं उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। उनका भतीजा खूनी निकला, जेल में है, और उनकी भतीजी वो कोमा में, उन्हें दे आती हूँ। आंटी का फोन भी अभी आना था। अच्छे खासे मूड की ऐसी की तैसी कर दी। आंटी आपका फोन। मेरा फोन? कुछ दिन पहले ही मैंने नंबर बदल दिया था, तो कोई फोन करता ही नहीं है, तो पता नहीं था कि बचेगा या नहीं। क्या मैंने तुमसे कहा ना 28949 ये मेरा पुराना नंबर है।
तुमसे कब से कह रही हूँ, तुम यहाँ आ जाओ और मुझे लेकर जाओ। मैंने तुम्हें बताया ना मेरे भतीजे के साथ क्या हुआ। ये नंबर जिसका भी था अब वो बदल गया है, 28949 अब ये मेरा नंबर है। हाँ हाँ वो मेरा पुराना नंबर है। आंटी ये 28949 ये आपका नंबर था? हाँ ये मेरा पुराना नंबर था। आप पहले किसी अनाथ आश्रम में काम करती थी? काम तो नहीं पर मैं चैरिटी करती थी। तो आप किसी महक को जानती है? मैं वहाँ के लोगों को तो नहीं जानती, वहाँ पर लोग आते हैं तो अपना चेहरा छुपा के आते थे। हाँ उनके बच्चों को लेकर उनके साथ टच में रहना पड़ता है क्योंकि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ है, उन्होंने किसे अडॉप्ट किया है क्या है। पर ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? ये इस नंबर से आपको कभी फोन आया है? हाँ ये एक लेडी कॉल करती थी मुझे, वो एक बच्ची लेकर आई थी मेरे पास। आपको पता वो बच्ची अब कहाँ है? हाँ मैं जानती हूँ वो बच्ची कहाँ है। प्रथा तुम्हारी कंडीशन अब ऐसी है कि तुम्हें अब बहुत ख्याल रखना पड़ेगा बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट। तुम्हारा बच्चा भरा हुआ पैदा हुआ। तेरी बेटी जिंदा है। जानती हो प्रथा तेरी बेटी बिल्कुल तेरी जैसी दिखती है, तेरी जैसे ऐसी बड़ी बड़ी आंखें। मरते मरते मैं अब तुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दे के जा रही हूं। आंटी आंटी मेरी बच्ची मेरी बच्ची कहाँ है आपको पता है? मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। उस रात उस डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मुझे आज भी याद है वो रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी। मैं बहुत लेबर पेन में थी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी पर साथ ही साथ बहुत खुशी भी थी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। सुख और दुख भरी उस रात को मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। मैंने उसे दवा दी थी कि बच्चा पेट में ही मर जाए, मरा हुआ बच्चा पैदा हो, लेकिन ये तो जिंदा है। लाओ तो इसे मुझे। तू अपने माँ के कर्मों की सजा भुगतेगी, तू मरेगी। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं मारूंगी तुझे। मैं दवा से नहीं मरी तू, पर अब मरेगी जहर से।
रही है, मुझे चिढ़ा रही है। तुझे तो आज मैं मार के रहूंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। ये तुम क्या कर रही थी? पकड़ो इसे, मैं इसे मारने जा रही थी। जहर देके मारने की कोशिश की तब नहीं मरी, अब ऊपर से फेंकने की कोशिश की तब भी नहीं मरी, क्योंकि तूफान आ गया। मैं तुझे कह रही हूं, इस बच्ची में जरूर कोई शक्ति है, आखिर ये प्रथा की बेटी है। देख महक, मैं तो इसे नहीं मार पाई, लेकिन तू तो शेष ना गिने, इसे कस ले और दस दे और खत्म कर इसकी कहानी। So cute. ये बिल्कुल टिट्टू प्रथा जैसी लगती है। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही चेहरा, वही चेहरे पे वही चमक। इसलिए इसको देख के मुझे और नफरत हो रही है। मन करता है कि इसको यही खत्म कर दूं। तो खत्म करना। ये शेष नागिन की बेटी है, हो सकता है इसके पास भी वो शक्तियां हो। इसको तो मैं जिंदा रखूंगी और अपने वश में रखूंगी। अगर ऐसा है तो इसका मरना और भी जरूरी हो गया है। अगर अभी तुमने इसे नहीं मारा ना, तो ये तुम्हें मार देगी। नहीं, इसे नहीं मारेंगे हम। अगर कल को हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो? इसकी क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हें? अगर सच में इसके पास शक्तियां हुई तो इसके बड़े होने के बाद ये हमारे बहुत काम आ सकती है। Oh, really? इसका मतलब है तब तक तुम इसे अपने पास रखोगी? मैं पागल नहीं हूँ कि इस नफरत को अपने पास रखूं। ये दुनिया पे कहीं पे भी होगी ना, मैं इसे ढूंढ लूंगी और जब मुझे इसकी जरूरत होगी मैं इसे वहां से लेके आ जाऊंगी। कहाँ छोड़ने वाली हो तुम इसे? एक अनाथ आश्रम में। हेलो, आप एक हाथ एक साथ एनजीओ में काम करते हैं? हाँ। मेरे पास एक अनाथ बच्ची है, उसकी माँ जेल में थी, तब उसको फांसी हो गई और मुझे ये भी नहीं मालूम कि उसकी माँ कौन थी। तुम कहाँ हो अभी? मैं यहाँ। अब आप कहाँ हो? मैं यहाँ सिटी हॉस्पिटल में किसी सोशल वर्क से आई हूँ। तुम एक काम करो, तुम बच्ची आके मुझे यहीं पर दे दो, मैं उसे अनाथ आश्रम के हवाले कर दूंगी और उसे अडॉप्शन के लिए अप्लाई कर दूंगी। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। आज एक और बच्चा अनाथ आश्रम में आने वाला है। लोग ऐसा क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। पाल नहीं सकते तो जन्म क्यों देते हैं? उस रात एक आदमी भी आया था वहां, बहुत परेशान था। उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी, पर उस बच्चे की जन्म घड़ी भी बहुत काली थी, डिलीवरी में बहुत मुश्किलें आई थी। आपकी पत्नी को बहुत ज्यादा लेबर पेन हो रहा है सर, मुझे नहीं लगता कि हम बच्चे और माँ में से किसी को भी बचा पाएंगे। डोंट वरी सर, हम पूरी कोशिश करेंगे दोनों को बचाने की। हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। मैंने आपको फोन किया था, ये बच्चा। थैंक यू।
एक्सक्यूज मी सर, सर हमने पूरी कोशिश की पर बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है और सर हम आपके पत्नी को भी नहीं बचा सके। वो रात बहुत अजीब थी, बहुत काली, दिल दहला देने वाली। उस रात दो हादसे हुए। एक बच्ची जो मेरे हाथों में आई, उसने अपनी माँ को खो दिया था और वो आदमी, उसने अपनी पत्नी और बच्ची दोनों खो दी थी। पर ये संजोग शायद कुदरत का ही था। उसे मिलना था दो ऐसे लोगों को जो एक दूसरे के लिए अजनबी थे पर शायद एक दूसरे के लिए ही बने थे। Oh my God! ये तो चमत्कार हो गया। What? It's a miracle, sir. I mean, मेरी करियर में मैंने ये चमत्कार पहली बार देखा है। ये बच्ची अपने जन्म के 1.5 मिनट बाद रोई है सर। Congratulations. या ये कहिए कि इस बच्ची ने रो के इसे रुला दिया, खामोशी से उठा दिया। पता नहीं कौन से तार जुड़े हैं, कौन सा चमत्कार जुड़ा है। एक बेजान में जान डाल दी है इसने। उस रात एक अद्भुत संगम हुआ। ऐसा कुदरत का करिश्मा देखकर उस आदमी ने कहा कि वो दोनों बच्चियों को साथ रखेगा और वो उन दोनों बच्चियों को अपने साथ ले गया।